हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसएससी विद अमित कुमार गुप्ता में। और जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से पहले का सेशन भी देख ले, तो उन लोग थोड़ा सा अच्छा से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और हम लोग सेशन 28 में टोटल जितने वर्ड्स हमें दिए हुए हैं उनको सिर्फ डिस्कस करेंगे, और उसके वर्ड रूट पर आज हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि बुक में भी सेशन 28 में सिर्फ कुछ वर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया है और उसका वर्ड रूट नहीं बताया गया। वर्ड रूट हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आज जो हमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको देखना है, उनका मतलब को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करना है, उसके बाद हम लोग उसको वर्ड रूट से भी देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो हमारा है मार्टिनेट, ठीक है। मार्टिनेट, तो मार्टिनेट अगर हम लोग किसी को बोलेंगे कि वो मार्टिनेट पर्सन है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी का ऑनर है, तो वो ऑनर अपने स्टाफ्स, अपने सर्वेंट्स को जो भी बोलता है उसे बिल्कुल वैसा काम चाहिए। अगर मान लीजिए वो अगर बोला है कि हमें एक पेज में एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन में उसको एक भी वर्ड बिल्कुल गलत नहीं चाहिए, एक भी काटा फीटा कुछ नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल वो जो बोलेगा वो स्ट्रिक्ट उसको काम चाहिए, वो अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस है। वो मतलब खुद वो नहीं करेगा, जिससे भी कराएगा उसे वो क्या चाहता है कि बिल्कुल सही 100% करेक्ट काम हो जाए, स्ट्रिक्ट काम हो जाए, सही समय पे काम हो जाए। जैसे मान लीजिए वो अपने किसी सर्वेंट को बोला कि मेरा कार साफ़ कर दो, तो बिल्कुल कार एकदम नए के जैसे चमकना चाहिए, ऐसा साफ वो करवाएगा, ठीक है। और हल्का सा भी अगर दाग उसको मिल गया तो फिर बहुत सा बात बोलेगा, ठीक है। तो मार्टिनेट पर्सन हम लोग एक्चुअली जो वर्ड है उस पर क्या बात कर रहे हैं, मार्टिनेट पर्सन वो लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिमांड्स ओबेडियंस फ्रॉम अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीकोफेंट, ठीक है। सीकोफेंट क्या होता है? सीकोफेंट को हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं चापलूस लोग, चुगलखोर लोग। तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर सीकोफेंट है, तो वो क्या करेगा कि जो भी आदमी पावर में है, या फिर वो चाहे अमीर है या चाहे वो ताकतवर है, क्या करेगा, उसको चापलूसी करेगा ताकि उसका सपोर्ट उसको मिल पाए, ठीक है। उसको हर बात बताएगा, मतलब कि वो चाहेगा कि वो आदमी का कृपा उस पर बने रहे, चाहे उसके लिए वो कुछ भी करेगा, उसका चापलूसी करेगा जनरली, ठीक है। तो सीकोफेंट क्या होंगे? चापलूस लोग, चुगलखोर लोग। अ पर्सन हु प्रेजेस पावरफुल पीपल इन ऑर्डर टू गेट देयर अप्रूवल। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्पेलिंग, देखिए थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ। DILLETANTE, ठीक है। डिलेटेंट, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका एग्जाम्पल एक बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक आर्टिस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पेंटिंग्स बनाता है, उसको पेंटिंग्स बनाने आता है। बहुत ही हाईली स्किलफुल नहीं है, कंजमेट नहीं है वो, ठीक है, बहुत ही हाईली स्किलफुल नहीं है, बट वो पेंटिंग्स बनाता है, उसका पेंटिंग बिक रही है जैसे तैसे। मान लीजिए अगर एक पेंटिंग बनाता है तो 50 रुपये पर पेंटिंग करके बिक रही है, तो बस वो उतना ही में खुश है, ठीक है। वो नहीं चाहता है कि उस पेंटिंग जो जो भी फील्ड में है वो उस फील्ड में वो आगे जा पाए, उसको जितना है उतना ही में संतुष्ट है, अपना काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं है वो, ठीक है। कि वो अपने जिस भी आर्ट आर्ट में है, वो अपने आर्ट में वो बहुत ही कामयाबी पाना नहीं चाहता है। और इसको अगर आप लोग अच्छा से नहीं समझेंगे तो और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो कोई एक दुकान कर रहा है, ठीक है, दुकान कर रहा है, और मान लीजिए कोई एक समोसा का ही दुकान कर रहा है, समोसा का दुकान में समोसा उसका इतना बिक जा रहा है कि उसका सर्वाइवल हो पा रहा है, वो आराम से खा पी सक रहा है। मगर कस्टमर्स को डिमांड है कि भाई आप और आइटम्स रखिए, हम लोग आपका और भी आइटम्स वो सब खरीदेंगे, फिर वो अपना काम को लेकर लापरवाह है, वो और आइटम्स खाने का जो मेन्यू उसको नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन को भी हम लोग डिलेटेंट कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो बस जैसा चल रहा है उसको चलने दे रहा है, वो अपने काम को इम्प्रूव नहीं करना चाहता है, वो अपने काम में बहुत उसको डीप नॉलेज भी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कारण है, जैसे वो बता रहे कि वो पेंटिंग्स अगर बनाता है तो वो इतना स्किलफुल पेंटिंग नहीं बना सकता है कि उसका ज़्यादा पेंटिंग ज़्यादा कॉस्ट नहीं बिके, या फिर उसको ज़्यादा कोई अच्छा अवार्ड्स मिल सके, ना ही वो ट्राई करता है कि वो उसने पेंटिंग्स में और स्किल ला सके, ठीक है। तो ऐसे लोग को डिलिटेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विरागो।
ये तो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा आप लोग को, आप लोग अपने आसपास मोहल्ले में भी देखने को मिलता होगा। विरागो उन लोगों, उन लेडीज, सिर्फ लेडी लोग के लिए यूज़ किया जाता है जो लेडी लड़ने में बहुत माहिर होती है, जो थोड़े थोड़े बात पे एकदम लड़ने के लिए आ जाती है, एक बात का 10 बात सुना के जाती है, वैसे वैसे लेडीज़ को विरागो कहते हैं। ठीक है, एन एंग्री वुमेन हु आफ्टर कंप्लेन्स एंड क्रिटिसाइजेस अदर पीपल। नेक्स्ट देखते हैं सोविनिस्ट। सोविनिस्ट क्या होता है? सोविनिस्ट भी बहुत आसान सा चीज़ है, और आप लोग को अपने आसपास में सोविनिस्ट पीपल्स मिल ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, तो मैं एक सोविनिस्ट पर्सन हूँ। सोविनिस्ट का मतलब होता है कि जो उससे रिलेटेड हो वो सबसे अच्छा है, और उससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए बोल देंगे कि हमारा कंट्री इंडिया, इंडिया से अच्छा कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि मेरी जो रिलीजन है, मेरे रिलीजन से कोई अच्छा रिलीजन है ही नहीं, ठीक है, तो उसको सोविनिस्ट पर्सन बोल सकते हैं। जो मतलब जो सिर्फ जिस रीजन से, जिस रेस से बिलोंग करता है वो, ठीक है, वो सिर्फ उसी को अच्छा समझता है, और बाकी सब जो है उससे इन्फेरियर है, ठीक है, और ये सबसे सुपीरियर है। तो वैसे लोगों को सोविनिस्ट कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ, मेरा एक बाइक है, मेरे बाइक से अच्छा बाइक किसी का नहीं है, मेरे दोस्त का किसी का अच्छा बाइक नहीं, भले उसका महंगा बाइक है, बट मेरा बाइक सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा माइलेज है, सबसे अच्छा उसका चाल है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं एक सोविनिस्ट पर्सन हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोनोमैनियक। मोनोमैनियक ये क्या होते हैं, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मोनोमैनियक मतलब, जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब दुनिया सबको छोड़ के बस मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे और किसी से कुछ मतलब नहीं, ना खाने का ध्यान, ना पीने का, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई, ना बहन, किसी से हमको मतलब नहीं, कोई एग्ज़ाम से मतलब नहीं, बस मैं पढ़ाने में कॉन्सेंट्रेट किया हूँ। अगर मैं खेल रहा हूँ तो सिर्फ खेलने के लिए कॉन्सेंट्रेट किया हूँ, मुझे और किसी से मतलब नहीं। तो मोनोमैनिक होते वैसे लोग जो सिर्फ एक ही चीज़ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देते हैं और उसी में काम करते ही रहते हैं, और बाकी सबसे मतलब उन्हें नहीं रहता। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है तो सिर्फ जॉब में ही ध्यान दे रहा है, ठीक है, अपनी कंपनी का ही काम कर रहा है, तो ऐसे को लोगों को मोनोमैनिक कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट मतलब कि वैसे ये लोग बोल सकते हैं कि हम लोग नए ज़माने के लोग होते हैं, जो पुराने जो रीति रिवाज हैं उनका, उन पे उनको भरोसा नहीं होता है, और उनको अच्छा पसंद नहीं आता है पुराने रीति रिवाज को, तोड़ के बाहर निकलते हैं, ठीक है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, ठीक है, रिलीजन से भी रिलेटेड कोई पूजा पाठ का बात हो गया, ठीक है, तो ऐसे जो जो लोग इस सब चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, पुराने रीति रिवाज में जो पहले से चला आ रहा है, इसको अपोज जो करते हैं, उन्हें हम लोग आइकोनोक्लास्ट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहते हैं एथिस्ट। एथिस्ट मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो गॉड्स में बिलीव नहीं करते उन्हें एथिस्ट कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट रहते हैं लेचर। तो लेचर क्या होता है? ऐसे लोग भी बहुत कोई मिल जाएंगे आप लोग को आसपास में। ठीक है, लेचर वैसे लोग होते हैं जो सेक्स के लिए हाईली इंटरेस्टेड रहते हैं, मतलब उन्हें सुबह उठेंगे तो उनको एक बार सुबह सेक्स के लिए कोई पार्टनर चाहिए, दोपहर तो में भी सेक्स के लिए एक पार्टनर चाहिए, इवनिंग में भी सेक्स के पार्टनर चाहिए, नाइट में भी सेक्स की पार्टनर चाहिए, अब अलग अलग चाहिए, कहीं से भी बस उनको सेक्सुअल डिजायर उनका पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो लेचर ऐसे लोग होंगे जो चाहे उनकी वाइफ हो या फिर कोई भी अलग, ये एक्चुअली मेल पर्सन होते हैं जिन्हें कोई भी लेडी चाहिए बस उनके सेक्सुअल फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, और सेक्स के लिए हाईली इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक क्या होते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि, जैसे मान लीजिए मुझे या किसी को भी पर्सन को थोड़ा सा पैर में चोट लग गया, तो उनके माइंड में क्या बैठ गया, मुझे को चोट लगा तो हो सके मेरा कोई पैर का बोन फ्रैक्चर हो गया है, वो क्या 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 किया कि एक जगह जाके अपना बोन एक्सरे कराया तो वहाँ पे निकला कोई फ्रैक्चर नहीं है, फिर क्या किया, उसको वहाँ पे भरोसा नहीं हुआ कि वो, मतलब उसको लगा कि वो अच्छा से एक्सरे नहीं किया, वो दूसरे जगह दिखाने गया, ठीक है, दूसरी जगह पे भी कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आया, तीसरे जगह दिखाने गया, तीसरे जगह पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, तो एक ये पहला कंडीशन बताते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए वो वही आदमी का सर में थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उसको लगा क्या कि मुझे कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है, तो क्या क्या, अब माइंड का अपने ब्रेन का टेस्ट कराने के लिए गया कि कहीं ब्रेन ट्यूमर नहीं है, एक जगह गया कोई प्रॉब्लम नहीं आया, दूसरा जगह गया वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन वैसे पर्सन होते हैं जो अपने
हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए, ठीक है। तो वैसे लोगों को हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं, पर्सन हु इज ऑफन और ऑलवेज वरीड अबाउट बींग इल, कि उनको बीमार ना पड़ जाए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो हमारा जिस पे हम लोग इतने दिन से वर्क कर रहे हैं, व्हाट पावर मेडिसिन नॉर्मन लुइस, ठीक है, ये बुक को ज़रूर से आप लोग परचेस कर ले। और अभी अमेजोन में ये बहुत ही कम कॉस्ट में, 90 के 92 रुपीज़ में कर समथिंग में करके अभी अवेलेबल है। और प्लीज़ ये, मैं तो बोलता हूँ ये बुक इतना सस्ता नहीं रहना चाहिए, इतना अच्छा क्वालिटी का बुक है। इसका देखिए मार्केट प्राइस 169 है, बट अमेजोन में बहुत ही कम रेट पे मिल रहा है। तो प्लीज़ ये बुक को परचेज़ कर लीजिए जब तक आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है।